लगाना है, बटन लगाना है। कौन सा बटन लगाना? आलम का, इसका, इसका। मम लगाते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सभी का जिंदगी के खट्टे मीठे सफर में। बैठ जाओ। कहाँ जा रहे? तैयारी कहाँ की हो रही? आज है सैटरडे और मैंने बच्चों से वादा किया था कि आज हम एग्जीबिशन जाएंगे और मैं व्लॉग आज शब्बीर के लिए चैलेंज है कि सारा दिन शब्बीर ही व्लॉगिंग लेंगे। मैं व्लॉगिंग नहीं करने वाली आज, पूरा दिन शब्बीर ही व्लॉग लेंगे आज, देखेंगे कैसा लेते हैं। उनके लिए चैलेंज है ये, क्या बोलते चैलेंज? हाँ चैलेंज कुछ भी नहीं है, मैं फोन पकड़ लेता। हाँ मालूम होता आपको। अभी मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ मैडम, सारा तैयार कर दिया मम्मी ने। हाथ भी बोलो जा। हाथ में फोन लेके, हाथ में फोन लेके कैसे होता सारा दिन, आपको भी तो मालूम होना चाहिए। मैं कभी आपके जैसा सेम। वाओ ब्लैक, ये क्या लेके फिर रहे तुम? ये क्या है? वो बालों को ऐसे ऐसे करते थे। किसका? अच्छा। है वो आता नहीं, रख दो वहाँ पे। अन्नी का है वो, मार करनी छोड़ो। क्या है अनम? वो अनम क्या करने का? ट्राई करने का। अच्छा बालों को ऐसे ऐसे करते थे। कैसा कैसा करते एक बार बताओ मेरे को। अच्छा फोन दे दो। हाँ मैं रख ले, तुम पकड़ ले तो। कैसा कैसा करते वो बालों को? मार लगता। कैसा करते बालों को? अच्छा ऐसा ऐसा करते। दोस्तों को भी बोलो गाइस ऐसा ऐसा करते। जा रहे हैं? कहाँ जा रहे? दादी के पास जा रहे। जा रहे हैं ना? दादी को बता क्या? वो क्या कर दिया उनको? तो क्या है परेशानी आपकी? मेरे को जाना है पहले सना के घर, उन कुछ भूल गई घर में, तो उसको लेके पार्लर को दे जाना। उसका यहाँ पे ये है स्ट्रेटनर, ये भी देना है उसको। कुछ मतलब ऑर्डर है, वो जा रही है ऑर्डर पे। कब तक जा रहे? अभी निकलेंगे। जलो जल्दी जल्दी कर लो। जलो नहीं चलो। जलो बोले आपको, जलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी करो, फिर अपने को टाइम नहीं है, बहुत टाइम हो जाता। हाँ हो गया। क्या कर रहे तुम लोग? शरारत कर रहे? अनम आइए, जाओ अनम, वो लगा लो, जाओ जल्दी पलटो। अच्छा नहीं दिख रहे इसमें आप लोग दोनों। हाय 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 गाइस। कालिया ने बेटे गाइस बोलते नहीं। अभी आप अभी बोलो, आप ब्लॉग कैसा बनाते हैं? माय यूट्यूब फैमिली बोलो ना। नहीं पलामली माय यूट्यूब पलामली है तुम्हारी। आजकल के बच्चे बहुत शरारत कर रहे हैं। ए इधर आओ जी। ये देखो अभी एक आए। लंबे ही है बेटा आपके बाल? नहीं छोटे थे पहले, मैं छोटा था कुछ। आप बड़े हो ना? तुम बड़े हो तो बाल भी बड़े हो गए। 6 साल का उम्र में ये 7 इयर्स के हुए ये बाला। बड़ी हाफ 6 साल के और बाला 7 इयर्स के कैसा होते जी? गाइस गाइस हाँ गाइस 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 बोलो। पूरा फोन खराब कर दे रहे तुम लोग। अनम बोल रहे हैं कि हम अन्नी के घर गए थे और अन्नी वहाँ नहीं थे, अन्नी घर में नहीं थे, ऐसा बोल रहे हैं ना। आपको शायद सुनने नहीं आया होगा उनकी वॉइस में। तो हम सना घर पे नहीं है, दरअसल वो अपने काम के यहाँ पार्लर में है और उसे कुछ चीज़ें की ज़रूरत थी, तो वो मुझे कॉल की और मैं वहाँ ही जा रही हूँ। तो उसने बोला कि मेरे को वो ला कर दे दो, अभी मैं उसको दे दे के फिर एग्जीबिशन जाऊँगी। अभी हम जा रहे हैं घर, जाएंगे और ऑटो ले जाएंगे क्योंकि
भी चल रहे हैं और बच्चे भी चल रहे हैं, तो हम पूरे ऑटो में ही जा सकते हैं। गाड़ी पे इतना मतलब बहुत रश हो जाता है, चार पांच जने जाना और ऐसे जाना भी अच्छा नहीं होगा। तो अभी हम क्या जा रहे हैं, दोनों हो गए रेडी, शबीर भी रेडी, मेहक भी रेडी। अभी आप लोग जाओ, मैं बताऊंगी आप लोगों को। अलीजा भी रेडी, अनम भी रेडी, सेम पहने। अन्ना अलीजा तैयार, बताओ गोल फिर के बताओ। अलीजा हो गए तैयार, वेर इज अनम। एंट्री हो गई, हमारी टिकट ले लिया हम। लेकिन अलीजा को समझ में नहीं आ रहा, सता रही बहुत ये अलीजा। अनम देखिए, अनम को अभी से डॉल 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 लग गई है, अनम सता रही अभी। अन्ना अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं एंट्री, तो हम लोग चलते चलते थक गए और बैठ गए खाने के लिए कुछ भी। मतलब बहुत दूर पार्किंग करना पड़ा और वहाँ से चल कर आना पड़ा, पार्किंग नज़दीक नहीं है, एक तो मेन रोड पर ये सब कुछ होता है, तो पार्किंग बहुत दूर करना पड़ा। अपन बैठे तो रेस्टोरेंट सोसाइटी, एग्जीबिशन सोसाइटी। एग्जीबिशन सोसाइटी मतलब क्या है? एग्जीबिशन एग्जीबिशन एग्जीबिशन
एग्जीबिशन सोसाइटी इनसे एक दिन ना इंग्लिश चैलेंज कराना पड़ेगा। एग्जीबिशन सोसाइटी ऊपर से वॉशिंग मशीन सोसाइटी। अनम पता है क्या बोल रहे थे? अनम बोल रहे थे वॉशिंग मशीन जाना है तो ये बोले नहीं आ रहा था, एग्जीबिशन जाना है वॉशिंग मशीन जाना है ये कह रही थी। सो अभी एक सेकेंड आप ही लो, वहाँ गई देखो फिर से। नहीं आपका चैलेंज है, सारा दिन आप पकड़ेंगे। अम्मा मेरे तो हाथ दर्द कर रहे बा, मैं तो नहीं पकड़ने वाली। ये देखिए हमारी पीछे से आ रही है अलीजा। वेयर इज योर सैंडल भैया? डोंट रिमूव योर शूज। हमारे बच्चे आज कैसे लग रहे हैं? हमारे जंगली जंगली अलीजा एंड अनम, प्लीज गाइस आपको कमेंट करके जरूर बताना। अंदर है चलो चलिए अभी जल्दी। चलो अब जाके झूलेंगे, झूले झूले ले निकालो।
ज्यादा निकाल रहा हूँ बर्तन साफ करने के लिए, बर्तन रख रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? वो लाइट ऑन करो, लाइट ऑन करके टिडिंग। क्या कहते जी? खाना निकाल, खाना लेकर आया ना अभी। जो सुबह का खाना था वो फ्रिज में रख रही हूँ। खाना निकाल लो, पूछो अम्मी से खाना निकाल देंगे क्या? हाँ निकाल ना, भूख लग रही है ना। हाँ, उनको गोली भी डाल, गोली डाल ली है ना। खाना निकाल रही हूँ। क्या भी नहीं, भूख लग रही मेरे को भी। पैर दर्द हो रहा था। क्या है? बिरयानी। बिरयानी, ये रहा पार्सल, हमारा पार्सल। मिलते हैं खाने के बाद। गाइस हम लोग घर आ गए और बहुत ठंड है, इतनी ठंड हो रही। तुम्हें व्लॉग लेते रहो, करते रहो। दूसरे टाइम खाली बैठे हो व्लॉग में। हाँ व्लॉग में, असल तुम व्लॉग में दिखाना चाह रहे, दिखाना चाह रहे कि ये बहुत काम करते हैं। वैसे तो सच में ये बहुत काम करते हैं। और हम अभी एंड व्लॉग की एंड करना, अभी हम व्लॉग की एंडिंग करने के लिए तैयार है। तो अभी हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है, हमारा व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। पार्किंग के लिए जल्दी जाना गाइस, सही बोल रही हूँ, पार्किंग के लिए जल्दी जाना क्योंकि बहुत दूर पार्क करना पड़ता है। और शब्बीर ना चैलेंज में हार गए, वो एक पर 10 मिनट भी व्लॉगिंग नहीं ले पाए। तो मानते हो के हार गए? बच्ची को उठा लिया ना जी, मैं उठा लेती थी। हार गए, सीधा बोलने नहीं आ रहा, हार गए। और बर बच्ची को उठा लिए थे, तो वहाँ पर हम लोग को बच्चों ने बहुत सताया गाइस, इसीलिए हम लोग जल्दी भी आ गए। तो हम लोग जल्दी भी आ गए। क्या है ना, अलीजा बहुत, आनम बहुत सता रहे थे। अलीजा फिर भी थोड़ा बहुत रो रही थी, उसको फिरने नहीं हो रहा था। और हम वहाँ पर मतलब सब दुकानों पर गए, लेकिन ऐसा कुछ भी दुकानें नहीं आता। तो सब दुकाना देखे हम, लेकिन वहाँ ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ कपड़ों के दुकान, बेडशीट की दुकान ही भरी हुई थी। एग्जीबिशन, हाँ सेम चांद मीनार ही लग रहा था, ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं। बस एक वुडन मतलब लकड़ी का शॉप, मतलब लकड़ी के सामान का शॉप था जो हमको वहाँ पे अच्छा दिखा, एंटिक पीसों का। तो वहाँ पर वो एक चीज़ अच्छी दिखी, बाकी का सब कुछ तो नॉर्मल हैदराबाद के टाइप ही था, ऐसा कुछ नहीं। रेट वगैरह तो ज़्यादा ही रहता। हाँ एग्जीबिशन जाना, चांद मीनार जाना, एक जैसा ही हो रहा है। तो चलिए अभी हम ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे दूसरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे और हम आपके साथ जुड़े रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिए आगे के अच्छे वीडियोज़ के लिए। तो जब तक के लिए बाय बाय।